हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना होस्ट शाहरुख और आप देख रहे हैं मस्ट ऑफ मोस्ट। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी हायर के सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर फ्रिज के हवाले से होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को आइडिया नहीं होता है कि भाई नॉर्मल फ्रिज में और इन्वर्टर फ्रिज में क्या फ़र्क होता है। तो आज की वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है, तो आपने लास्ट तक देखना है लाजमी, क्योंकि आज के जो वीडियो है उसमें हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे कि भाई इन्वर्टर एसी में क्या क्या फीचर्स हैं, उनके क्या क्या प्राइस हैं, उनके क्या मॉडल नंबर है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहे। और उससे पहले जो है मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप इनमें से कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपके पास अल्फाला का बैंक का क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कोई भी आइटम आप हमसे इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं, एहसन भाई को भी बुला लेता हूँ। एहसन भाई हमें आज की वीडियो में गाइड करेंगे कि इन्वर्टर फ्रिज में क्या क्या फीचर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम एहसन भाई। बस हमारे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कोई अच्छी सी डिटेल्स इनकी बता दें कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि आइडिया नहीं होता है कस्टमर्स को कि भाई इसमें इन्वर्टर में क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, छोटे मॉडल से? पहले आप एक छोटी सी इसकी पूरी रेंज दिखा दें। बिल्कुल, एक छोटा सा आपको पूरा डेमो करके दिखा देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है, उनके क्या क्या कलर हैं। इन्वर्टर मॉडल यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये 306 मॉडल है हायर का, FD इन्वर्टर है, फुल DC इन्वर्टर कहलाता है ये। इसमें अभी जो सीरीज चल रही है ये IF सीरीज है। इसकी IF सीरीज की जो फीचर्स हैं वो मैं आपको पैनल लगा हुआ उसके अंदर समझाता हूँ, इजीली समझ भी आएगा और उसके फीचर्स भी समझ आते जाएंगे। अब बेसिकली लोग बोलते हैं यार, लोगों के ये सवाल होते हैं यार इन्वर्टर लोग कहते हैं स्लो काम करता है, ऐसा कोई सेंस नहीं है। इन्वर्टर फास्ट काम करता है। इन्वर्टर के अंदर हायर ने जो फैसिलिटीज दी हुई है उसके अंदर इन्होंने टर्बो कूल फैन दिया हुआ है विद डिजिटल कंट्रोलिंग दी हुई है। पूरी कंट्रोलिंग आपको डिजिटल मिलती है। अब क्या होता है, थर्मोस्टेट वगैरह जैसे दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो अभी भी थर्मोस्टेट ही दे रहे हैं। थर्मोस्टेट से ये होता है जो टेम्परेचर एक्यूरेट सेट नहीं होता है, आगे पीछे ही रहता है। अब इसमें जो आप कमांड दे रहे हो ना इसके कार्ड को, इसकी पूरी मशीन को, वो आप इलेक्ट्रिक कमांड दे रहे हो डायरेक्ट, सही है ना। तो अब इसमें जो आप सेलेक्ट करोगे, जैसे पावर स्विच पे अगर आप कर देते हो, इसकी सेटिंग आप अगर पावर स्विच पे कर देते हो तो ये आपको तेज वर्किंग कर देगा। पावर कूल पे ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। फिजी पे ये ऑटो पे काम करता है। अब जैसे आप हॉलीडेज वगैरह पे होते हो, आपका जो घर है वो आप बंद करके जा रहे हो कहीं रुकने, कहीं किसी भी जगह पे, तो आप इसको फ्रिजी पे कर दो। अब फ्रिज तो वैसे ही खोल बंद होगा नहीं, घर में कोई है नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली काम पे लग जाएगा अपने। अच्छा, दूसरी चीज़, अब लोग बोलते हैं यार हमको स्टोरेज के हिसाब से हमको चीज़ चाहिए। अब स्टोरेज करनी हो, जैसे अब हमारे लोगों के पास टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से हर बंदा चाहता है यार हफ्ते के हिसाब से, मैं 4-5 हफ्ते के हिसाब से सामान रखना चाहें, तो उस हिसाब से इसके अंदर दिया हुआ है SCS टेक्नोलॉजी। अब ये क्या करता है, आपकी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उसको 3-4 हफ्ते तक फ्रेश रखता है। अब SCS काम कैसे करता है इसकी मैं आपको बताता हूँ। अब SCS वर्क जो करता है, ये आपकी नमी को, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपकी जो फिल्टर लगा हुआ है इसका वर्क ये होता है, ये आपको वो एब्जॉर्ब करके उसके वाटर जो है प्रोवाइड करता है फ्रेशनेस। आपने देखा होगा फ्रूट वाले, फल वाले आजकल पानी छिड़क रहे होते हैं ताकि उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे, तो ये वही काम कर रहा होता है एग्जैक्टली। अब जो इसके वाइडेस्ट मॉडल है उसके अंदर इन्होंने ब्यूटी केयर बॉक्स वगैरह भी दिए हुए। अब इसमें अगर आप चाहे मेडिसिन रख लें या ब्यूटी प्रोडक्ट्स रख लें। स्लाइडिंग ट्रे दी हुई है वाइडेस्ट मॉडल के अंदर, जैसे एल्डर्स वगैरह होते हैं हमारे एज वाले जो बंदे होते हैं, अब वो कोई भी चीज़ चाहिए अभी तो ये पैक हुआ है उसको स्लाइड करके आगे निकाल सकते हो आप, झुकना नहीं पड़ेगा। इसमें टर्बो कूल फैन दिया, TABT टर्बो कूल फैन दिया हुआ है इसके अंदर, जो कूलिंग को और इनहेंस कर देता है आपकी। अच्छा एहसन भाई, ये जो फीचर्स आपने बताए तमाम इन्वर्टर्स में? जी ये तमाम इन्वर्टर्स में, मगर जो बेसिक मैं वाइडेस्ट मॉडल बोलता जा रहा था जिनमें अब जैसे आपको बॉक्स मिल गया और ये स्लाइडिंग ट्रे मिल गई, ये वाइडेस्ट मॉडल में। वाइडेस्ट मॉडल में इसके 368 आते हैं, 398 आते हैं, 438 आते हैं, इसके अंदर ये फीचर्स मौजूद हैं।
ठीक है, तो अब हम वन बाय वन जो है ना मॉडल्स की तरफ बढ़ते हैं और उसकी वारंटी और उसकी डिटेल्स आप बता दें। उससे पहले मैं आपको एक और चीज विजिट करवा देता हूँ, ये भी नया ऐड हुआ है मॉडल, ये 538 मॉडल है। अच्छा, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइडेस्ट मॉडल है। अच्छा, इसके अंदर पार्टीशन दे दिए, ये आपको वेजिटेबल्स के लिए दे दिया, ये फ्रूट्स के लिए दे दिया है आपके लिए, तो दोनों पार्टीशन आ गए इसके। अच्छा, इसके ग्लास को थोड़ा और थिक कर दिया है। अच्छा, देखने में लग रहा है जैसे साइड बाय साइड फ्रिज होता है ना, उस तरीके के फीचर्स दिए हैं। बस ये कि वाइडेस्ट बहुत ज्यादा कर दिया है। ये 530 लीटर में है। इसका मॉडल नंबर क्या है? 538। अच्छा, अब जो इसके अंदर बेसिक फीचर जो ऐड किया गया है, अब आपने किसी भी कॉम्पिटिटर्स दूसरे कॉम्पिटिटर्स के फ्रिज देखे होंगे, डिफ्रीजर खोला होगा, पार्टीशन, तो उसके अंदर आपको टर्बोकूल फैन नहीं मिलता है। इसके अंदर डिफ्रीजर में भी टर्बोकूल फैन दिया हुआ है, नीचे रैफ पोर्शन में भी टर्बोकूल फैन दिया हुआ है। डिफ्रीजर में दोनों साइड LED लाइट दी हुई है, ये सेंसर आ गया इसका, स्मेल वगैरह को डिटेक्ट करता है, ये नीचे की तरफ आ गया सेंसर इसमें। अच्छा, इसकी वारंटी कितनी है और इसके प्राइस क्या है? इसकी वारंटी जो है ना 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है, 3 साल इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स वगैरह की वारंटी होती है। अब इसकी जो प्राइस है, प्राइस तो इसकी जो है 144 की है, डिस्काउंट के अंदर 141 का पड़ रहा है, 1,41,000 रुपये का। इन केस अगर कोई हमें वन स्टॉप से डायरेक्ट कॉल करता है तो हमने उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है, ये जो हमारे चैनल से जो डायरेक्ट ऑर्डर करेगा हम उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, इसका साइज देख सकते हैं कि यार कितना बड़ा साइज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज है इसका। साइज के हिसाब से सिर्फ मतलब बड़ी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, मतलब इतनी हाइट नहीं मांगते, मगर लोग मांगते कि आप वाइडेस्ट हो, तो उस हिसाब से भी ये आइडियल। बिल्कुल, टच पैनल के साथ मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसकी सेटिंग भी जैसे ये मैंने आपको पिछले मॉडल्स में बताई है, सेम टू सेम वैसे ही सेटिंग है इसकी, डिजिटल कंट्रोलिंग के अंदर है पूरा। तो गाइस, इन दोनों के फीचर्स भी पता चल गए आपको और प्राइस भी इसके बता दिए हैं एहसान भाई ने, तो अब जो इनके छोटे मॉडल है जो छोटी फैमिलियां के इस्तेमाल में होते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो कंपनी प्राइस अभी चल रहे हैं 1,05,000 रुपये के चल रहे हैं, ये छोटा नहीं है, ये एवरेज साइज है, एवरेज साइज है। इसमें भी सेम टू सेम वैसे फीचर्स सेम टू सेम फीचर्स है, मगर इस मॉडल के अंदर बॉक्स नहीं आता, सिर्फ बॉक्स नहीं है, बाकी फीचर्स वैसे ही भी नहीं आती। ठीक है, अब सेंसर इसके अंदर भी दिया हुआ, वो वाइडेस्ट वाले में भी दिया हुआ, नीचे इसमें भी सेंसर मिलेगा और उसमें भी मिलेगा। अच्छा, फीचर्स जो है वो सेम है, सिर्फ जो एक्सेसरीज है जो ऊपर से, जैसे इसके डिफ्यूजर इतना वाइडेस्ट नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, तो उस हिसाब से इसको जो रिक्वायरमेंट है वो उसका कंप्रेसर ही पूरी कर सकता, तो इसमें टर्बोकूल फैन ऊपर नहीं लगा, ऊपर नहीं दिया। फिर आगे बढ़ जाते हैं दूसरे मॉडल की तरफ, उसके भी प्राइस और मॉडल नंबर बता देते हैं। ये 336 मॉडल है हायर का, इसमें भी तकरीबन सेम वैसे सेम फीचर्स है इसमें। तो गाइस, ये सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, onestopmall.pk हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ जाते हैं दूसरे मॉडल की तरफ, इसका मॉडल नंबर बता दें हसन भाई। ये 368 मॉडल है, 368 मॉडल है जी। अब ये इस मॉडल से स्लाइडिंग ट्रे शुरू होती है, इस मॉडल से आपको IF सीरीज के अंदर स्लाइडिंग ट्रे भी मिलेगी और मेडिसिन बॉक्स भी मिल जाएगा। और इसके प्राइस क्या है सर भाई? इसके प्राइस है 1,20,000। 1,20,000 है, लेकिन इस पे डिस्काउंट हो जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा। ये जो साइज है ये 398 का साइज है, इसमें जो है जो वाइडेस्ट है, मगर इसमें हाइट भी दी हुई है। अब इसमें जो गैप आ रहा है ना, वो अच्छा गैप दिया हुआ है, मतलब सामान ज्यादा स्टोरेज के हिसाब से बहुत अच्छी कैपेसिटी दी हुई है इसके अंदर।
सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आप इसमें से कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आ रहा है, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आप हमारी शॉप पे आना चाहते हैं तो शॉप का एड्रेस बहुत सिंपल है, औरंगी टाउन एक नंबर अब्दुल्ला इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, नदीम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारी शॉप है, वहाँ पर भी आप आके हमसे ले सकते हो। ऑनलाइन डिलीवरी फ्री है कराची में, कहीं आप कहीं पर भी मंगवाते हैं तो हमारी तरफ से डिलीवरी फ्री है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।